तो देखो भाई, हम सबको बताए कि फ्री फायर में अपडेट के बाद SMG की बहुत ही बुरी वाली बैंड बजा दी है भाई। सब मिड रेंज में हेडशॉट का डैमेज काफी कम कर दिया इन लोगों ने। और भाई क्लोज रेंज में ना SMG बिल्कुल पहले की तरह चलती है, मतलब कि क्लोज रेंज में हेडशॉट का डैमेज उतना ही है जितना पहले था। लेकिन भाई क्लोज रेंज में हमारे हेडशॉट नहीं लगते, तो भाई साहब हमारे लिए ना एक तरफ खाई और एक तरफ कुआ, क्योंकि भाई मिड रेंज में हमसे हेडशॉट बढ़िया लगते तो वहां पर इन लोगों ने डैमेज कम कर दिया। और भाई क्लोज रेंज में बढ़िया डैमेज है लेकिन भाई हमसे हेडशॉट ही नहीं लगते, तो डैमेज का क्या करें, अचार डाले क्या? ये बड़ी अच्छी बात। अरे ये छोड़ो भाई, जब भी सामने वाला बंदा हमारे मुंह पर होता है और हमारे हाथ में SMG गन होती है ना, फिर तो भाई फायर बटन को घसीट घसीट कर घुमा घुमा कर ड्रैग कर करके भाई सब स्क्रीन पे गोल गोल जलेबी की तरह धब्बे पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे हेडशॉट नहीं लग पाते हैं। अरे 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 बस करो यार, अभी ना आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको SMG से क्लोज रेंज में हेडशॉट लगाने की ऐसी धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं ना, जिसको फॉलो करने के बाद भाई आपके SMG के क्लोज रेंज में भी भाई हेडशॉट बड़े ही तगड़े लगेंगे, ठीक है? तो बस उसके लिए ना वीडियो को पूरा देख लेना बिना स्किप किए। और भाई मेरे को ना एक चीज कमेंट करके बता देना कि आपकी फेवरेट SMG गन कौन सी है, ठीक है? और भाई चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है? वेल गाइस, अभी बात करते हैं हमारी फर्स्ट टिप की, जो कि रेड डॉट और जॉयस्टिक का झोल। तो देखो भाई, पहले मैं आपको रेड डॉट का झोल बता देता हूँ। देखो यार, आजकल ना बंदे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप रेड डॉट सेंसिटिविटी को कम रखोगे तो आपकी कोई भी SMG गन काफी कम रिकॉइल होगी और भैया आपके हेडशॉट तो एकदम धड़ाधड़ लगेंगे। तो देखो भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसी बेफालतू की बातों पे ना ध्यान मत दिया करो, क्योंकि भाई रेड डॉट सेंसिटिविटी के साथ ना किसी भी गन के रिकॉइल का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भैया रेड डॉट सेंसिटिविटी आप जितने मर्जी चाहे रखो, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई जनरल सेंसिटिविटी को तो 100 रखना ही पड़ेगा। इसके बिना तो भाई आपकी किसी भी SMG गन से क्लोज रेंज में हेडशॉट ठीक से नहीं लग पाएगा, ठीक है? तो जनरल सेंसिटिविटी को 100 कर देना। अभी गाइस मैं आपको दूसरा झोल बताता हूं, जो कि जॉयस्टिक का झोल। तो देखो भाई, बात ऐसी कि भाई बॉस से बंदे ना जब भी क्लोज रेंज में बंदा देखते हैं ना, तो फायर बटन को ड्रैग करने के साथ साथ भाई सब जॉयस्टिक को भी लेफ्ट राइट करते रहते या फिर नीचे की ओर खींचते रहते। तो देखो भाई, मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसे करने से ना आपके हेडशॉट नहीं लग पाएगा, ठीक है? ऊपर से भाई आपकी गन इतनी ज्यादा रिकॉइल करेगी जिसकी वजह से भाई सब हेडशॉट तो छोड़ो, बॉडी शॉट भी ठीक से नहीं लगेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, जॉयस्टिक का झोल नहीं करना है, यानी कि बस आपको फायर बटन को ड्रैग करते टाइम ना जॉयस्टिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है? जब भी फायर बटन को ड्रैग करना है तब जॉयस्टिक को छोड़ देना है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है? और हाँ, वैसे कैसे अगर आप चाहो तो पीक वगैरह लेने के लिए जॉयस्टिक को कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन अगेन मैं आपको बता देता हूं, जब भी फायर बटन को ड्रैग देना है तब जॉयस्टिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो गाइस अभी बात करते हैं हमारी सेकंड टिप की, जो कि क्लोज में बिजली वाली एमिंग। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो अगर आप अपने एम को जमीन पे रख के चलते हो ना, मतलब कि कुछ इस तरीके से अपने एम को पूरा जमीन में घुसेड़ देते हो, तो भाई सब ये करना बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि भाई ऐसी एमिंग से आपके हेडशॉट ठीक से नहीं लग पाएगा और ऊपर से भाई सामने वाला बंदा आपको बड़े मजे में पेल के चला जाएगा, क्योंकि आप तो स्क्रीन को नीचे रख के घूम रहे हो। तो भैया सीधी सी बात है, ना ही आपको अपने एम को पूरा जमीन पे रखना है और ना ही आपको बहुत ज्यादा ऊपर रखना है, ठीक है? मिड लेवल में रखना है कुछ इस तरीके से, और फिर आपको जैसे बंदा दिखता है ना, बस आपको एकदम फटाक से अपने एम को बिजली की रफ्तार से एनिमी की बॉडी से लेफ्ट में ला देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है? क्लोज रेंज में जैसे ही बंदा दिखा, एकदम फटाक से अपने एम को एनिमी की बॉडी से लेफ्ट में ला देना, हल्का सा दूर और थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है? और एम चाहे रेड हो या फिर व्हाइट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपका एम एनिमी की बॉडी से लेफ्ट में होना चाहिए। और भाई सीधी सी बात है, मैं SMG क्लोज रेंज हेडशॉट की ट्रिक बता रहा हूं, तो भाई सब ये ट्रिक ना किसी भी SMG गन के अंदर काम करेगी, ठीक है? फिर चाहे आपके पास UMP हो, थॉमसन हो, MP40, MP5, वैसा कोई भी SMG गन क्यों ना हो, आपको जैसे बंदा दिखता है ना क्लोज रेंज में, अपने एम को बस एनिमी की बॉडी से लेफ्ट में ला देना है। वेल गाइस, अभी मैं आपको एक मस्त वाला एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आप एकदम क्लियर हो जाओ, ठीक है? यहां पर आप देख ही सकते हो, भाई सब क्लोज रेंज में बंदा था और मैंने अपने एम को एनिमी की बॉडी से लेफ्ट में ला दिया और फिर फायर बटन को राइट साइड से रोटेशन ट्रैक देती है, बंदे को ओनली रेड नंबर वाले हेडशॉट लग गए, ठीक है? तो गाइस यही सेम चीज आपको करनी है, बस क्लोज रेंज में बंदा देखते ही एकदम बिजली की रफ्तार से आपको अपने एम को एनिमी की बॉडी से लेफ्ट में ला देना। अभी गाइस बात करते हैं भाई थर्ड टिप की, जो कि रेड नंबर्स वाला रोटेशन ट्रैक। देखो गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों के ना क्लोज रेंज में एक आधा शॉट हेड पे लग जाता है, लेकिन उसके बाद के भाई सारे शॉट बॉडी पे लग जाते हैं। तो देखो भाई, मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है, जब भी आपका पहला शॉट बंदे के हेड पर लगता है ना, ठीक उसी टाइम पे आपको अपने फायर बटन को ड्रैग देने की स्पीड को काफी ज्यादा स्लो कर देना है। मतलब कि जब भी आप रोटेशन ड्रैग देते हो, बंदे को एक दो शॉट बॉडी पे लगने के बाद जब तीसरा शॉट बंदे के हेड पर लगता है ना, ठीक उसी टाइम पे आपको बस अपने फायर बटन को हल्का हल्का सब बंदे के हेड की तरफ सरकाना है बस। और भाई मैं बता रहा हूं ना, ऐसा करने से आपकी ज्यादातर शॉट सी बंदे के हेड पर लगेंगे, ठीक है? और गाइस यहां पर ना आपको रोटेशन ड्रैग भी थोड़े से डिफरेंट तरीके से देना है। मतलब कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, रोटेशन ड्रैग कैसे देते हैं, पहले फायर बटन को हल्का सा नीचे लेते हैं, फिर राइट साइड से घुमाते हुए बंदे के हेड की तरफ ड्रैग दे देते हैं।
है। लेकिन भाई यहाँ पर एसएमजी से बंदों को क्लोज रेंज में हेडशॉट लगाने के लिए आपको फायर ब्रेडन को नीचे थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग करना है, ठीक है। मतलब कि एकदम मस्त नीचे से ड्रैग करते हुए फायर ब्रेडन को राइट साइड से घुमाते हुए बंदे के हेड की तरफ ड्रैग दे देना है। बहुत ही सिंपल सा रोटेशन रहेगा, ठीक है। वैसे एक सेकंड भाई, ये देखो भाई इतना बड़ा पासा कहाँ से आया भाई, और भाई ये तो उछलता भी है यार। ये पासा है या फुटबॉल, लेकिन इसको देखो भाई, ये इसका अलग ही गेम चल रहा है यार। तू लगा दे भाई, जितने प्लैंक्स लगाने लगा दे, मैं सारे फोड़ के जाऊंगा। ये ले जरा लाल भी देख ले। हाँ लगा लगा लगा, और एक और लगा, एक और लगा ना, क्या हुआ बस निकल गई हवा। अरे ये, अरे भाई ये तो हैमर मार रहा है। अरे भाई मुंह सुझा दिया, हेलो भाई मुझे दूर भागने दो भाई। वैसे भाई ये सारी मजाक मस्ती तो चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूँ भाई, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो भाई। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, क्या करते हो आप लोग, बिना बोले लाइक भी नहीं करते हो भाई। मैं तो सिर्फ यार बता रहा था यार, मुझे पता है आप लोग लाइक करने ही वाले हो। गाइस यार अभी बात करते हैं हमारी फोर्थ टिप की, जो कि रिकॉइल का दुख। तो देखो भाई रिकॉइल का दुख और रिकॉइल की समस्या ना इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। इसको आप एक झटके में सॉल्व कर सकते हो। तो देखो भाई कोई भी एसएमजी गन रिकॉइल तभी होती है जब आप एक ही बार में पूरी मैगजीन खाली कर देते हो। मतलब कि भाई अगर आप MP40 के एक ही स्प्रे में 28 की 28 गोली उड़ा दोगे, फिर तो भाई आपकी MP40 रिकॉइल करने ही वाली, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, आपको एक ही बार में पूरी मैगजीन खाली नहीं करनी, ठीक है। आपको हमेशा गैप ले लेकर शॉट चलाने, 10 से 15 शॉट चलाए, अगर हेडशॉट नहीं लगा तो ग्लूवल डाल लेनी है, फिर 10 से 15 शॉट चलाने, अगर हेडशॉट नहीं लगता तो जिगजैग मूवमेंट देनी है। बेसिकली गाइस यार आपको ऐसे ही गैप में शॉट चलाने, जिससे आपकी एसएमजी गन रिकॉइल बहुत ही कम करेगी, ठीक है। तो गाइस यार यही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को जाइए फॉलो कीजिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, और फिर देखना भाई कैसे एसएमजी गन से क्लोज रेंज में भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट लगते हैं, ठीक है। तो बस गाइस यही तुम्हारा वीडियो, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी रॉ थेफ्ट।